इसको बड़ा सही लगा था ना, गुड़ टपक रहा है इसमें, टपक लगा चिटा नहीं बना। ये कितना मिनट लगेगा, कितना मिनट लगेगा उससे तुम्हारे कितना फायदा रहा इसमें? बहुत ज्यादा फायदा, कम से कम 15 मिनट घटी, कड़ी कम पड़ गया ना। और गर्मी लगता है इसमें ज्यादा? मतलब अगर उसमें 2 निकलते हैं तो इसमें 3 निकलेगी। अच्छा, थोड़ी बहुत भामती है वो तो भामती है। और फ्रेश आज पहले से साफ निकल रहा है माल? हाँ, पहले साफ कर रहा है, कढ़ाई में अच्छे तरीके से हो गया ना साफ बिल्कुल। और टेम्परेचर पूरा मिल रहा है आपको? हाँ, टेम्परेचर पूरा मिल रहा है। अच्छा, कोई और दिक्कत है बताओ? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, हम तो पूरा सेटिस्फाई हो गए। सेटिस्फाई हो गए ना, और जल्दी जल्दी निकल पा रहे हैं। और मिल से जो गुड़ निकलना चाहिए उसी हिसाब से निकल रहा है? हाँ, उसी के हिसाब से निकल रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार। अंकित, ठीक है, आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? मैं 3 साल से। 3 साल से ये इसी क्या बोलते हैं, कवर्धा? नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम आया हूँ ना। अच्छा, इसी फैक्ट्री में? पहले महाराष्ट्र में था। उधर भी ट्रेडिशनल मॉडल में निकलता होगा? ऐसे निकलता बस उधर तो। आपने कभी ये स्टीम वाई बॉयलर बेस कभी भी निकाला? नहीं, आज तक नहीं, पहली बार निकाल रहे हैं। लेकिन आपको क्या चला है पहले ट्रेडिशनल और इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क है, बहुत फर्क है ना। बहुत ज्यादा फर्क। काम करने में आराम हो गया क्या? काम करने में आराम हो, और क्या नाम, गुड़ भी फालतू बनता है, जल्दी बनता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। आप लोगों को कुछ कहना है बताइए, आप 2 शब्द कह सकते हैं, आपको क्या फीलिंग लग रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। मीन से इसका जल्दी जल्दी बनाने के क्या तरीके है, ये स्टीम से या डायरेक्ट जो ट्रेडिशन टाइप से क्या फर्क पड़ा आपको? प्रोडक्शन में इसमें प्रोडक्शन डबल हो गया ना। अच्छा, प्रोडक्शन डबल हो गया है। और इसकी आपका जो स्टीम बॉयलर है जो आप ये देखा रहे, इसमें पानी बार बार डालना पड़ता है क्या है? नहीं डालना, इसमें पानी नहीं डालना पड़ता है। इसका जो फीडिंग वाटर टेम्परेचर 130 डिग्री फीड हो रहा है पानी इसमें। अच्छा, और जो बॉयलर से जो बाहर निकलता स्टीम है जो कढ़ाइयों में, वो कितने डिग्री का है? 130 डिग्री। और उसमें प्रेशर कितने केजी में, प्रेशर में काम करता है ये? 8 केजी प्रेशर में काम करेगा। 8 केजी प्रेशर में। और ये सब कुछ ऑटोमेशन में या ऐसे मैनुअल है? सब कुछ ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है। क्या प्रेशर बढ़ने पर कोई स्पेशल कोई है इंडिकेशन देता है लोगों को? अलार्म है और सेफ्टी वाल है। अच्छा, ब्लास्ट वाल, सेफ्टी वाल है। तो आप क्या करने जा रहे हैं? फ्यूल के बारे में बता रहा था, फ्यूल में कोई चेंजिंग आने वाला है? फ्यूल चढ़ाने के लिए 20-30% फ्यूल सेव हो जाएगा इसमें आराम से। लेकिन आपने बॉयलर में जो हाथ से मैनुअल डाल रहे हैं लेकिन उसको चेंजिंग करने के कोई प्लान कर रहे हैं बोल रहे हैं, वो कैसे? ये तो बड़े प्लांट में सभी कन्वर्टर डलेगा ना सब में। अच्छा, और उसको सुखाएगा कैसे आप? वो ड्रायर है इसका, इसमें ड्रायर है, ड्रायर से सूख करके बॉयलर में फीड होगा, कन्वर्टर ऑटोमेटिक होगा। उसमें लेबर का बचत होगा क्या? लेबर का बचत होगा, एक अगर एक भट्टी के प्लांट हम करते हैं तो 7 से 8 लेबर का बचत होगा सुखाने का। और आपको क्या लगता है कि इसके लिए बहुत जगह का भी जरूरत होगा जो पहले ट्रेडिशनल टाइप ये फ्यूल सुखाने के लिए? 80% जगह कम लगेगी। अच्छा, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम प्रकाश चंद्रवंशी है। आपको कैसे लग रहा है स्टीम बेस बॉयलर जो अभी जो गुड़ बन रहा है? स्टीम बेस तो सर बहुत बढ़िया है, इसमें जूस बहुत फास्ट ले रहा है और लड्डू भी फास्ट जब बनेगा, इससे बहुत बेटर रही है। अच्छा, आप इस कंपनी के मालिक हो? यस सर। आप कितने साल से इस फील्ड में? सर मेरे पिताजी को 12 साल हो गया, मेरे को अभी 2-3 साल हो गया बस। अच्छा, आपको कुल मिला के GCI का जो बॉयलर सिस्टम है, जो स्टीम बेस जो गुड़ बनाने का है, ये आपको अच्छा लगा? बहुत बढ़िया है। और काम करने में भी आसानी है या हार्ड वर्क है? अब वो तो सर थोड़ा रोलिंग बनने में बहुत आसानी हो जाएगा, अभी थोड़ा लग रहा है नया नया देखने में। चलो धन्यवाद सर, आपको कुछ कहना है? नमस्कार सर, हम लोग अभी देर करेंगे। ये कौन से एरिया सर आपको पता है? कवर्धा एरिया में हम लोग, और यहाँ जो परंपरागत तरीके से जो गुड़ बनाया जाता था उसमें फ्यूल ज़्यादा लगता था, उसमें लेबर ज़्यादा लगती है, और उसमें लेबर के साथ साथ जगह भी बहुत ज़्यादा लगती है। उन सबको बचाने के लिए एक नए तरीके का स्टीम बेस्ड बॉयलर को डेवलप किया, उसके साथ कढ़ाइयाँ वगैरह लगा करके उस प्लांट को चालू किया है। उस प्लांट में ऑलरेडी जगह, लेबर, पानी और इसके साथ साथ फ्यूल सभी में यूज हुआ है सारा, तो सब फ्यूल का बहुत बड़ी बचत होने वाली है, इसके साथ साथ लेबर की बचत होने वाली है, और जो गुड़ की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया आने वाली है, और आने वाले टाइम में हम लोग इसको और बढ़ाएंगे काम को। इस एरिया के अंदर जो भी प्लांट्स वगैरह हैं वहाँ लगाने का काम करेंगे। अभी ये पहला प्लांट है जिसमें हम इसको ट्रायल पे चालू कर रहे हैं, ऑलरेडी ये चल रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है भैया। सर ये कितने साल से ये काम शुरू किया आप लोगों ने? ये पहले प्लांट है राज इधर ही गुड़ का, जैगरी प्लांट तो पहला है, बाकी मावा बेस्ड और जो हेवी ब्रोथ के तो करीब 3-4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जैगरी में पहली बार अभी पहला प्लांट उठा है और इसका रेस्पॉन्स जस्ट बहुत अच्छा आया है। अभी हम लोग इनके जो मालिक हैं प्रकाश जी हैं और विजय जी हैं, इन सबको अच्छा लगा और अभी 2 दिन से इसका काम चल रहा है, और मैं सोचता हूँ 5-7-10 दिन में पूरी इसकी जो है ऑडिट वगैरह हो जाएगी, बट कितना फ्यूल लग रहा है क्या लग रहा है उसके बाद आगे काम बढ़ाएंगे। आपके बॉयलर जो बनता है यार, ये सिस्टम पूरा बनता है, ये कहाँ से बन के आया हुआ है? सारा जयपुर दिल्ली रोड पे बैरोड है, बैरोड में 147 एरिया है, वहाँ पे GCI प्राइवेट कंपनी है, वहाँ सारी मैन्युफैक्चरिंग की है इसकी। अच्छा, असेंबलिंग यहाँ ला के की हम लोगों ने इसकी। अच्छा सर, और ये कितने दिन में ये इंस्टॉल हो गया सर? ये अभी तो पहला प्लांट है, समय लगा, लेकिन आने वाले टाइम में इसको कॉम्पैक्ट करेंगे, विद इन 2-3 डेज में ये ऑलरेडी असेंबल हो जाएगा प्लांट के साइड पे प्लांट आने के बाद। ठीक है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। आइए, आपका नाम क्या है? दीपक है जी। दीपक जी, कितने साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं आप? मैं 6 साल से। 6 साल से अब और भी कंपनी में या इस कंपनी में था? इसी कंपनी में था, पहले और भी किया है दूसरी जगह। ये जो बॉयलर बेस्ड टीम से जो आप गुड़ बना रहे हैं, इसमें आपको क्या फील हो रही है? इसमें अच्छा बन रहा है बहुत काफी। आप इसका स्पेशल मेन मिस्त्री है? अच्छा ठीक है, आपको कैसे क्या महसूस हो रही है तो बताइए। महसूस बट्टी से अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे उधर पक रहा था ना, उससे अच्छा इससे महसूस हो रहा है। तो आपको बाहर से जो गर्मी पहले ट्रेडिशनल टाइप बनता था तो गर्मी ज्यादा लगता था, और इसमें कम है, थोड़ा छावा हो जाएगा तो और भी सीधा। और इसकी क्वालिटी कैसे निकलता है? क्वालिटी तो निकलेगा इसका, अभी धीरे धीरे बनेगा क्वालिटी भी, जैसे तो अभी चालू हुआ है धीरे धीरे, अब भी बहुत अच्छा क्वालिटी है फिर भी। अच्छा ठीक है, और पहले से जो फाइनल फिनिश होता है वो पहले से स्पीड बढ़ा है या कि नहीं? नहीं, ये स्पीड बढ़ा है। स्पीड बढ़ा है, और कोई दिक्कत इसमें? ना, दिक्कत कुछ नहीं है, इसलिए काम हो जाएगा। हाँ, ये फाइनल निकल रहा है इसको? हाँ, ये फाइनल है। तो ये 15-20 मिनट में निकल जाता है या कितने आपके एक बैच कितने देर में निकलता है? ये चाशनी, ये लगभग आधा घंटा 15-20 मिनट, 25 तो हो जाती है। अच्छा, कभी 25 होता है, कभी 30 होता है, ये है जितना स्टीम भेजेगा, जितना टेम्परेचर भेजेगा उतने हिसाब से वो करेगा। और इस काम में आपको कोई दिक्कत आ रही है पैसों? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा।
चलो अच्छी बात है। और आप लोग कुछ इस कंपनी के बारे में कुछ कहना चाहोगे? कंपनी आपकी बहुत अच्छी है, अच्छी है सर। नहीं, ये जो आप लोग ट्रेडिशनल तरीके से जो गुड़ बना रहा था और इस कंपनी जीसीआई ने ये जो बॉयलर और सिस्टम पूरा लगाया, तो आपको उन कंपनी के लिए कुछ बोलना चाहोगे? कंपनी के लिए जी बोलना यही है, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत प्रॉफिट देगी हमें लोगों को। अच्छा, और इसमें लेबर का और समय का और ये सब का बचत हो रही है ना? देख आराम से भाई, आराम से। लेबर का भी बचत है जी इसमें, अगर वो जो आप बोले वो लगाओगे तो उसमें बहुत अच्छा होगा, फ्यूल ऑटोमेटिक फीड करने वाला सिस्टम में आ जाएगा और ड्राई भी हो जाएगा। चलो ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या बोला था? दीपक। दीपक धन्यवाद, आपने बहुत सहयोग दिया। और भाई साहब आपने ये प्लांट लगाया, आप दो शब्द कहोगे? इधर आइए, जा रहे हो भाई साहब, कुछ कहना तो बता दो। धन्यवाद। और किसी को आपको कुछ कहना है भाई? नहीं सर जी। ऑनलाइन जा रहे हैं समझ ले। हाँ एक मिनट ब्रदर, निकलने से पहले मेरे को बताना एक मिनट। सर ये फ्यूल जलने का तरीका है क्या? ये लाइट चली जाती है, जो लाइट चली जाती है तो फ्यूल इससे जल सकता है। अच्छा, इस प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी 0%। लाइट चली जाए तो ऐसे चलेगा, नहीं फिर वो फैन चल जाएगा इसका। सर वो भी एक बार खोल के दिखा सकते हो सर, वो ढक्कन इसके साथ? ये सर ये तो गैस के जैसे चलता है सर, इतना स्पीड में चलते होगा, स्पीड में। धन्यवाद सर। और ये क्या सर? ये फ्यूल डालने की जगह है, ये लड़का है जो फ्यूल डाल रहा है थोड़ा थोड़ा, इस सुराज से डालता है, थोड़ा सा ही होता है, गन्ने के छिलका से धीरे धीरे डाल रहा है ये। क्या नाम है आपका? सुखराम। सुखराम, हाँ सुखराम, ठीक है। अब आराम से डालिए, ये बॉयलर है, स्टीम बॉयलर, नॉन आईबीआर है ये, इनका इसका कढ़ाई है, इस कढ़ाई से पहले ठंडा जूस आ जाता है, फिर उसको 80-90 डिग्री टेम्परेचर पर लाता है, उसके बाद इधर आके 140 डिग्री तक लेके आता है, उधर से फिर फाइनल में पहुंच के ये गुड़ निकल रहा है। देखिए एक मिनट ब्रदर, इस तरीके से निकलने के बाद क्या करते हैं ब्रदर? इस तरीके निकलने के बाद इसको उठा के दिखाइए, एक मिनट एक बार दिखाइए आप। लड्डू बन रहा है जी। अच्छा, इस तरीके से लड्डू बनता है? कार्टून में पैक हो रहा है इधर। अच्छा, वो इस कार्टून में पैक होता है फिर बाहर जाता है, हाँ, फिर बाहर जाता है। कस्टमर तक पहुंचता है, हाँ। बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ